नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रिया आपके साथ और बड़ा मुद्दा में आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर सबकी नजर। जी हां, आज एक बार फिर से जब कर्नाटक सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं तो आज का फैसला सबसे अहम होगा, क्योंकि आज जब विधानसभा स्पीकर इन सभी विधायकों के इस्तीफे को या मंजूर करते हैं या फिर कोई और हल निकाला जाता है, इस पर फिलहाल सभी की नजर है। क्योंकि कर्नाटक में सवा साल पुरानी एसडी कुमार स्वामी सरकार अब कितने दिन की मेहमान है ये फिलहाल किसी को नहीं पता। उसे समर्थन दे रहे 15 विधायकों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इनमें से 10 कांग्रेस के, 3 जेडीएस के और निर्दलीय विधायक भी शामिल है जो अब अपने हाथ पीछे खींच चुके हैं। और कर्नाटक सरकार पर जो संकट का साया था वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ जेडीएस और कांग्रेस के पास जो विधायक अब बचे हुए हैं उन्हें ये दोनों पार्टियां गोल बनकर ऐसी जगह पर ले जा रही हैं जहां कोई उनसे संपर्क ना साध सके। फिलहाल चलिए, ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताबिश कमाल, आज का दिन महत्वपूर्ण, लगातार इंतजार हो रहा था। जब 3 दिन पहले से इस्तीफों की घड़ी शुरू हुई थी, अब तक 15 विधायक हो चुके हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन मंगलवार का इंतजार हो रहा था क्योंकि आज विधानसभा स्पीकर इन सभी इस्तीफों पर किस तरह से मोहर लगाते नजर आते हैं, क्योंकि हल निकालने की जुगत तो अभी भी लगाई जा रही है। लेकिन क्या हल निकल पाता है या एसडी कुमार स्वामी की 1.25 साल पुरानी सरकार आज खत्म? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से कर्नाटक में सियासी संकट छाया हुआ है उससे एक बात साफ है, कहीं ना कहीं अब जेडीएस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अल्पमत में आ चुका है। और अब सदानंद गौड़ा ने साफ कर दिया है कि अगर 105 से ज्यादा विधायक बीजेपी के पास हो जाते हैं तो बीजेपी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेगी। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जो लगातार विधायकों का समर्थन बीजेपी सरकार से पीछे होता जा रहा है उस पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी अपना पलड़ा भारी करे। अब देखिए 105 विधायक को लेकर के अब जिस तरह का बयान आया है उसके बाद से लगातार 10 के बाद 13 विधायक और अब 15 विधायकों की गिनती, लगातार विधायक की जो गिनती है वो बढ़ती हुई नजर आ रही। तो ये चिंता का विषय है कि किस तरह से जेडीएस और कांग्रेस की सरकार वहां पर बचेगी। हालांकि जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं तो उससे बात साफ नजर आ रही है कि सरकार बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। भले ही कांग्रेस लाख दावे कर ले कि हम सरकार बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तमाम मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाने की बात कही जाए या जेडीएस को मनाने की कोशिश की जाए या कांग्रेस और जेडीएस के तमाम बड़े नेताओं की बैठक का दौर लगातार जो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि ये जो संकट के बादल हैं ये सरकार पर छाए हुए हैं। कर्नाटक का जो नाटक है वो अभी छटता हुआ नजर नहीं आ रहा है प्रिया। बिल्कुल, और लेकिन अगर ऐसे में सवाल किया जाए आज के दिन का, क्योंकि आज मंगलवार के दिन का इंतजार इसीलिए हो रहा था क्योंकि जुगत तो कई लगाई गई, लगातार मनाने की कोशिश की गई, हालांकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी अपने ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन को लेकर कितनी सजग नजर आ रही है, कितने एक्शन में नजर आ रही है ये सभी के सामने। लेकिन आज जब विधानसभा स्पीकर के सामने इस्तीफे रखे होंगे तो क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नजर। बिल्कुल, देखिए विधानसभा स्पीकर को आज फैसला कर लेना होगा, बहुत अहम फैसला होगा कि किस तरह से सरकार को बचाना है, किस तरह से सरकार को आगे लेकर के चलना है। क्योंकि अहम ये बात रहने वाली है क्योंकि 15 विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसे में क्या 15 विधायक जो इस्तीफा दे चुके हैं उनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या उन लोगों को जो लगातार ये मांग की जा रही है वहां से कि सरकार जो अल्पमत में आई है बड़े दल को वहां पर मौका मिलना चाहिए? तो ये आज बहुत अहम दिन है क्योंकि देखिए राज्यपाल को अब ये डिसीजन लेना होगा, क्योंकि सरकार लगातार जिस तरह से विधायकों का पलड़ा खींचता रहा है सरकार की तरफ से, तो अब कहीं ना कहीं गेंद धीरे धीरे राज्यपाल के पाले में आती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कर्नाटक का जो संकट है वो और गहराता हुआ नजर आ रहा है प्रिया। बिल्कुल, और ताबिश देखिए महत्वपूर्ण ये भी है, मंत्री पद के लिए भी आपको ऑफर दिए जा रहे हैं विधायकों को, यानी कि अगर हम बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल मंत्री पद लेने के लिए भी तैयार नहीं है विधायक, यानी कि मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल ताबिश बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको सुना देते हैं कि अलग अलग पार्टियों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कर्नाटक सरकार के इस संकट को लेकर, सुनाते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री कर्नाटका के अंदर क्या खिलवाड़ कर रहे हैं और क्या साजिश कर रहे हैं। वो हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर माहिर हैं, इतिहास गवाह है, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, गोवा, ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं। कर्नाटका में वो लालच भी देंगे, दबाव भी बनाएंगे, डराने की भी कोशिश करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो MLAs बॉम्बे के होटल में जाके क्यों ठहरे हैं जहाँ पे आपकी सरकार है? आप गोवा में भी उन्हीं की सरकार है, आपकी साजिश है, आप
इस देश के अंदर वन पार्टी रूल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सारे देश के अंदर सिर्फ आपकी सरकार हो, चाहे केंद्र में हो और चाहे प्रांतों के अंदर हो। और आप देखेंगे कि इसके बाद वो कोशिश करेंगे राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। लोकतंत्र को ख़त्म करने का शायद भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है। देखिए, मंत्रियों का त्यागपत्र जो है वो इस दिशा में है कि सरकार, मुख्यमंत्री और हाईकमांड जो है, वो चाहें तो वो लोग जो नाराज़ होके गए हैं उनको अगर अकोमोडेट करना हो तो हम उनके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, मगर हमारी सरकार न गिरे, हमारी सरकार चलती रहे। तो ये कांग्रेस और जेडीएस के पक्ष में एक कदम है, उनके खिलाफ नहीं है। मंत्रियों का इस्तीफा जो है, मंत्रियों का त्यागपत्र, वो इसलिए है कि नाराज़ विधायकों को वहाँ जगह में बिठा दिया जा सकता है। देखिए, कांग्रेस का आरोप अपनी जगह, मगर जनता को नजर आता है ना, चाहे वो कर्नाटका की जनता हो चाहे पूरे देश की जनता हो, सब देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे से खेल कौन खेलेगा, सरकार को गिराने में किसका फायदा हो सकता है, सरकार को कोई क्यों गिरा रहा है। सरकार को इसलिए गिराया जा रहा है कि विरोधी पक्ष चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाएं, हमें मौका मिल जाए, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, कुछ लोग हैं जो बीजेपी में मुस्लिम समाज के लोग आ रहे हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। जब मुस्लिम समाज के लोगों को आज लग रहा है कि कांग्रेस और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, उसमें से तो ज़्यादातर ऐसी हैं जो बीजेपी से कभी न कभी हाथ मिला चुकी हैं, ऐसी पार्टियां जब सत्ता की मलाई खानी होती है तो हम बड़े अच्छे हो जाते हैं, बाद में हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो मुस्लिम समाज को भी लगता है कि कमज़ोर पार्टियों के साथ रहकर और कमज़ोर नेता के साथ रहकर उनका कोई लाभ नहीं है। मैं तो उनसे अपील करता हूं, खुलकर आइए बीजेपी के साथ, आइए बीजेपी के सदस्य बनिए, मिस कॉल मारिए, हम आपको कभी भी अपने से अलग जुदा नहीं करेंगे। बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मोदी जी का नारा पसंद आ रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भले ही सामने आ रही हैं और कांग्रेस से ये इल्जाम भी लगाती, यानी कि आरोप लगाती नजर आ रही है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के एक विधायक यानी कि रोशन बेग का ये भी कहना है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, अगर मैं बीजेपी में शामिल होना चाह रहा हूं। आपको सुना देते हैं पूरी बात। ये मैत्री सरकार जो है, इसमें आपस में दिल का मिलन नहीं है, देयर इज नो केमिस्ट्री, तो इससे जनता भी बेजार है और हम भी दुखी हैं इस बात के कि हमको जिस तरह ने कांग्रेस पार्टी ने हमको सस्पेंड किया, जो लोग पार्टी के खिलाफ ओपनली काम किए चुनाव में उनके खिलाफ कुछ काम नहीं किया और हमारे खिलाफ एक्शन लेते हैं, हमको सस्पेंड करते हैं। मुझे शक व शुबा इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी को सीनियर लीडर्स जो हैं, जो स्ट्रांग लीडर्स जो हैं, जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में अपना एक मुकाम रखते हैं, इनको ये नहीं चाहते कि वो रहें, ये सप्रेस करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं भी रिजाइन करूंगा। अभी मैं कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के मैं चेयरमैन हूं, मेरा पहला फ़र्ज है कि मैं हज के पिलग्रिम्स को जो है, अभी रात में आज भी दो फ्लाइट्स हैं, कल चार फ्लाइट्स हैं, इसके बाद मैं रिजाइन करूंगा। मैं इलेक्शन के पहले कहा था हालात से समझौता करो, मैंने माइनॉरिटीज़ को अपील की थी कि हालात से समझौता करो, आज भी वही कहता हूं। देखिए, ये मैं ईमान नहीं बदल रहा, इट्स नॉट द चेंज ऑफ फेथ। बीजेपी इज़ आल्सो ए पॉलिटिकल पार्टी, वो भी एक राजनीतिक दल है, वो भी एक पार्टी है, क्या उसमें क्या बुरी बात है उसमें। जब ये फिलहाल ये दिखाई पड़ता है कि आज कर्नाटक सरकार का ये पूरा मामला जो लगातार ये राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग पार्टियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आज ये पूरा मामला हल होता दिखाई देगा, लेकिन कहा ये लगातार जा रहा था कि कब हल होगा, कब हल होगा।
अब जब विधानसभा स्पीकर खुद इन इस्तीफों को लेकर सामने बैठेंगे और पूछताछ भी होगी, बातचीत भी की जाएगी, तो देखते हैं कि आज क्या कोई हल निकल पाता है या सवा साल पुरानी ये कर्नाटक सरकार पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में अगली खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों और प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार यानी कि आज सुनवाई करेगा और मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करती नजर आएगी। भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने ये जो याचिका है वो दाखिल कर केंद्र सरकार के उस रुख का भी समर्थन किया है जिसमें सरकार ने भारत में रहे 40,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर उन्हें म्यांमार वापस भेजने की बात की है। चलिए निशांत राय इस वक्त हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस बात पर पूरी चर्चा करने के लिए। निशांत, इस वक्त की अगर अपडेट्स की मैं बात करूं, कब तक ये सुनवाई शुरू होगी, क्या कुछ हलचल देखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त? देखिए, अब से कुछ ही देर में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। दरअसल रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो केंद्र सरकार है उसका रुख लगातार सख्त रहा है और खासकर प्रवासी बांग्लादेशियों को भी लेकर। ऐसे में केंद्र सरकार ने जो याचिका दाखिल की है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, लेकिन एक बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने लगातार इसका विरोध भी किया है और देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को आज सुना जाता है, क्योंकि चीफ जस्टिस की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, तो कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन लगातार अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उसने रोहिंग्या मुसलमानों और प्रवासी बांग्लादेशियों को लेकर अपना रुख है जो वो सख्त रखा हुआ है, चाहे आसाम में एनआरसी की बात की जाए या तमाम चीजों को लेकर। केंद्र सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि इससे भारत को सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए केंद्र सरकार इसमें किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल। और निशांत, ऐसे में बात अगर पश्चिम बंगाल की ही की जाए, हालांकि अलग अलग राज्यों में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि राजनीति भी गरमाई है, अगर हम चुनावों की ही बात करें, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ऐसे में लगातार हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार में 36 का आंकड़ा पहले से ही दिखाई देता है। पर अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी जब सुनवाई करके किसी भी तरह का फैसला सामने आता है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सरकार हो, उसको मानना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो उम्मीद है कि कोर्ट का जो फैसला हो केंद्र सरकार के पक्ष में होगा। क्योंकि ये भी साफ है कि अब अमित शाह के गृह मंत्री पद संभालने के बाद से लगातार सुरक्षा को लेकर भी कई चीजें की जा रही हैं, कई ऐसे अहम कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार हमेशा से ही सख्त नजर आती है, तो क्या ये भी माना जाए कि फैसला आने के बाद भी यही नजरिया रहेगा? देखिए, फैसला आने के बाद देखने को मिलेगा कि आखिर सरकार कदम उठाती है। अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार ने 2014 के आने के बाद से जो भारत की सुरक्षा के लिए तमाम दावे किए थे, उन दावों पर वो खरी उतरेगी। और जो एनआरसी को लेकर आसाम या पश्चिम बंगाल में राइट चल रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार उसको किस तरीके से सुलझाती है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि 40,000 प्रवासी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान, जो कि हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनकी पहचान कर ली गई है और उसी के आधार पर उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन निशांत, ऐसे में राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में सरकार का इस पूरे मामले पर अलग रुख नजर आता है और केंद्र सरकार का अलग। बिल्कुल, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी ने लगातार केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध किया है। बात की जाए आसाम की, आसाम में हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। और इसके अलावा जो मानवाधिकार संगठन के लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप इनको भारत से बाहर निकालते हैं तो क्या म्यांमार इनको वापस लेगा, और म्यांमार इनको किन शर्तों पर वापस लेगा, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये तमाम सवाल हैं जो कोर्ट के फैसले के बाद ही जिनका जवाब मिलेगा। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, कोर्ट में इस मामले की अब कुछ ही देर बाद सुनवाई होनी है, कोर्ट आखिर क्या फैसला देता है। चलिए निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता निशांत इस वक्त इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और निशांत का ये भी कहना है कि कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसके बाद
फैसला आने के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर आगे क्या होना है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो चाहे वो राज्य सरकार की बात हो। खैर बड़ा मुद्दा में अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। अगला मुद्दा यानी कि बारिश को लेकर, तमाम राज्यों में इस वक्त मानसून की बरसात तेजी से भी हो रही है लेकिन कुछ जगहों पर फिलहाल इंतजार है। लेकिन इसी बीच भारी बारिश को लेकर देश के 12 राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से लोग काफी परेशान है। उधर बिहार के कई जिलों में भी 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में पहली बारिश में ही नदी और नालियां उफनते हुए नजर आए थे। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का ये अलर्ट आज के लिए फिलहाल कह दिया गया है। उधर मौसम विभाग ने अगले 24-48 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बारिश की संभावना भी जताई गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड के क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तरुण शर्मा, क्योंकि इस वक्त आप दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली का मौसम यानी कि दिल्ली के मौसम का मिजाज इस वक्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल लोगों के मन में डर इस बात का है कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, ऐसे में कौन सी वो चीजें हैं जिनके प्रति उनको सावधानी बरतने की जरूरत होगी? हाँ देखिए, कल मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने 4 राज्यों के लिए अभी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अभी कहा गया है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में अभी 11 तारीख तक जो है धीरे धीरे बूंदाबांदी और बादल छाए रहेंगे, यानी तापमान जरूर गिरेगा लेकिन अभी जिस तरीके से मानसून का आने का जिस तरह से इंतजार हो रहा है वो 11 तारीख तक अभी ऐसा कोई भी अभी कारण नहीं लग रहा है, ये मौसम विभाग का कहना है। लेकिन ये बात जरूर कही गई है कि अगले 24 घंटों के बाद जो है दिल्ली और आसपास के इलाकों के अंदर जो है मौसम आपको बदलता हुआ दिखेगा। आज भी आपने देखा होगा, जब हम सुबह घर से निकले थे तो आज सूर्य देवता के एक तरह से कहे तो दर्शन नहीं हुए, यानी बादल भी लुका तुकी का खेल खेल रहे हैं। कई जगहों में हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया कि जैसे मुंबई के अंदर बारिश हुई और राज्य में बारिश हुई, इस तरह की अभी बारिश का दिल्ली और इन 4 राज्यों में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यहां भी इतना बताया गया है कि मौसम में कुछ गिरावट होगी और हल्का हल्की बूंदी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं तैयारियों को लेकर, क्योंकि बिहार से ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं, मुंबई से ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जहां पर सड़कें तालाब बनती हुई नजर आती हैं, ऐसे में दिल्ली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? कि दिल्ली के अंदर जो है जो PWD विभाग है और दूसरी एजेंसियां हैं खासकर MCD की, ये लोग जो है पहले से ही अलर्ट मोड पर है, लगातार जो है नालों की सफाइयों की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है कि अगर इस तरीके से तेज कोई बारिश होती है तो उसके बाद किस तरीके से इन पे निपटा जाए और किस तरह की तैयारी देखी जाए, क्योंकि मौसम विभाग जब अलर्ट जारी कर देगा उसके बाद तुरंत जो सिविक एजेंसियां हैं वो बिल्कुल इस काम पर आ जाती हैं और देखने लगती हैं। फिलहाल जो है दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए और दिल्ली MCD की बात किया है तो दोनों ही संस्थाएं जो है मिलजुल कर जो नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, उनकी ओर जो है देख रही है कि किस तरीके से अगर बारिश ज्यादा आती है तो किस तरीके से इनसे पानी से बचाया जा सके। और जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, खासकर जो आप देखते होंगी तस्वीरों के अंदर, हमने पहले भी देखा था जब मूसलाधार तेज बारिश शुरू होती है तो बड़ी बड़ी सड़कें ITO जैसी सड़कों पे जो है आधी आधी बसें डूब जाती। जी तरुण, तरुण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। लेकिन ऐसे में समस्या एक और खड़ी होती है, जब हम तैयारियों की बात करते हैं तो ऐसे में हमेशा हर साल ये देखा जाता है कि मॉनसून के समय में कई बीमारियां लोगों को पकड़ लेती हैं, जिसको लेकर भी फिलहाल तैयारी की जरूरत है प्रशासन और सरकार दोनों को ही, और फिलहाल मुस्तैद रहना होगा इस चीज को लेकर भी। फिलहाल बड़ा मुद्दा में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप 2019 का आज सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर में होने जा रहा है और फाइनल में पहुंचने के लिए आज का यह मुकाबला कड़ा होगा, यानी कि आर्या पार का होगा। विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी बस अब दो ही कदम दूर है। आज सलामी बल्लेबाजों पर पूरी तरह से निगाहें टिकी होंगी और 16 साल बाद विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड यानी कि कीवियों की टीम आमने सामने आ रही है। 2003 में यह आखिरी बार विश्व कप में भिड़ थी और इसके बाद दोनों टीमों के बीच लीग राउंड का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, यानी कि हाल ही में जो मैच होना था लीग मैच वो बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया था, जिसके अब लेकर
चर्चा काफी ज्यादा है कि आज न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम अपनी मजबूती को किस तरह से प्रदर्शित कर पाती है। वर्ल्ड कप पॉइंट टेबल में हालांकि टीम इंडिया नंबर वन पर काबिज है 15 अंकों के साथ और न्यूजीलैंड नंबर चार पर। चलिए फिलहाल आपको दिखा देते हैं कि क्रिकेट प्रेमी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मैच को लेकर। वर्ल्ड कप में हमारा देश जो भारत टीम है बहुत चुनौती भरा देश चल रहा है और बहुत ही धूम है भारत टीम की और इस तरह लग रहा है सेमीफाइनल तक के फाइनल में बहुत जल्दी भारत टीम पहुंचने वाली है और इस बात का वर्ल्ड कप जो है भारत का ही होने वाला है और विराट कोहली में बहुत काफ़ी सारे बदलाव दिख रहे हैं और जडेजा जो है ऑलराउंडर फील्डर है और विराट कोहली से जडेजा को लेना चाहिए और मोहम्मद कल के मैच में मोहम्मद शमी की भी वापसी होनी चाहिए। तो जैसे कि कल इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट मैच है सेमीफाइनल है तो कप्तान अपने सबसे फिटेस्ट प्लेयरों को उतारेंगे और उसमें तीन सीमर्स बॉलर रहेंगे मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह भुवनेश्वर कुमार और दो स्पिनर रहेंगे जो है युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव और अपने पांच बैट्समैन के साथ और कल जडेजा को भी एक मौका मिल सकता है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि टीम इंडिया जो आज शीर्ष स्थान पर कायम है वर्ल्ड कप के तो ऐसा लग रहा है कि शायद से वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के पास आने वाला है भारत के पास आने वाला है और हम खुश है कि आज वो शीर्ष स्थान पर होने के बावजूद न्यूजीलैंड से उनका मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत फिर से जीतेगा और जीत अपनी दर्ज करके फाइनल में जाएगा और फाइनल में हमें लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंग्लैंड फाइनल में आएगा और हम इंग्लैंड के साथ फाइनल मुकाबला करेंगे और फाइनल मुकाबला हम लोग हमेशा की तरह इस बार भी जीतेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली जो है टीम इंडिया में कुछ बदलाव करते नज़र आएंगे जैसे कि मोहम्मद शमी जो है वो सेमीफाइनल में शायद टीम में दिखाई देंगे और रविंद्र जडेजा भी फिर से दिखाई देने के ऑलराउंडर होने की वजह से दिखाई देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और क्योंकि मोहम्मद शमी जो है वो एक विकेट टेकर बॉलर है और विकेट टेकर बॉलर होने की वजह से वो जरूरी है कि उनको खिलाना टीम इंडिया में कोहली उसको जरूर खिलाएंगे। वर्ल्ड कप में हमारी इंडिया की टीम जो है जो परफॉर्मेंस उसका अभी तक का रहा है वो बहुत अच्छा था। पूरी टीम फिट है बिल्कुल अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। बॉलर्स भी बढ़िया है बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फील्डिंग भी बहुत बढ़िया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ सेमीफाइनल तक पहुँच चुके हैं काफ़ी अच्छी टक्कर हो रही है और हमें भरोसा है कि हम सेमीफाइनल जीत ही जाएंगे इनके हमारे फिटनेस के बलबूते पर और फाइनल भी हम ही जीतेंगे। हमारे खेल संवाददाता इस वक्त अभिजीत सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिजीत देखिए आज का मैच महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ टीम की मजबूती दूसरी तरफ कप्तान की रणनीति ये दोनों आज काम आएंगी। क्योंकि हर टीम का सपना होता है कि एक बार वर्ल्ड कप जीते हर एक बार वर्ल्ड कप जरूर जीते। भारतीय टीम यह कारनामा दो बार कर भी चुकी है लेकिन फिर भी चूंकि कहा जा रहा है कि धोनी का ये अंतिम टूर्नामेंट है इसके बाद वो शायद संन्यास ले लें तो मेरे हिसाब से आज का जो मुकाबला है वो जो डेडिकेटेड होगा वो धोनी को ही होगा जो फाइनल मुकाबला होगा वर्ल्ड कप का। तो आज सबसे पहला पड़ाव है पहला पड़ाव न्यूजीलैंड है सामने उसको हराकर हमें फाइनल में प्रवेश करना है। फिलहाल जो मुकाबला है वो काफ़ी बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ अगर हार गए तो फिर जो हमारी मेहनत थी जो हमने 9 मुकाबले खेले जो हम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहे वो हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर हम यहाँ पे जीतते हैं तो फिर हमारे पास एक मौका होगा फिर से चैंपियन बनने का जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है उसकी जगह हम खुद से फिर से एक बार अगले 4-5 साल के लिए चैंपियन बन जाएंगे। बिल्कुल और अभिजीत खुशी की बात तो ये भी है कि 15 अंकों के साथ सबसे पहले नंबर पर विराजमान है टीम इंडिया और ऐसे में जो बारिश की संभावना जताई जा रही है उससे फिलहाल कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है टीम इंडिया पर। लेकिन फिलहाल उत्सुक फैंस इसीलिए हैं कि मुकाबला आज देखना है कितना जबरदस्त होगा। देखिए नॉकआउट मुकाबले के लिए रिजर्व डे होता है और रिजर्व डे कल है भारत के लिए। अगर रिजर्व डे के दिन भी मुकाबला धुल जाता है बारिश की वजह से तो फिर जिस टीम का पॉइंट्स ज्यादा होता है
उसको आगे क्वालिफाई कर दिया जाता है। तो अगर बारिश की संभावना है तो फिर उसमें भारत को ही फायदा होगा। लेकिन देखिए प्रिया, कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि वो बिना खेले हुए फाइनल में प्रवेश करे। कोई भी टीम चाहेगी कि वो खेले, अपने खिलाड़ियों को टेस्ट करके ही फाइनल में प्रवेश करे। और विराट कोहली भी यही चाहेंगे कि मुकाबला हो, पूरा हो और हम जीत कर फाइनल में प्रवेश करें, ताकि जब वहां पे मुकाबला हो तो जो हमारा मनोबल है सेमीफाइनल जीतने का वो हम पे हमारा भारी रहे और जो सामने वाली टीम है उसको हम पछाड़ सके फाइनल मुकाबले में। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि जो भारतीय टीम है सिर्फ दो कदम दूर है चैंपियन बनने से, वर्ल्ड कप का खिताब जीतने से। और आज का मुकाबला कहीं ना कहीं इसमें रोड़ा भरा हुआ है, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड की टीम है और न्यूजीलैंड की टीम हम कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस टीम को कब क्या उलटफेर कर दे। हालांकि टीम तो बहुत मजबूत है, लेकिन अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में भारत का उससे सामना हुआ नहीं है। वार्म अप मुकाबला हुआ था जहाँ पे हमको हार का सामना करना पड़ा था। मुख्यतः जो उनकी मजबूती है वो दो बॉलर है उनके, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट, इनसे बचकर रहना होगा टीम इंडिया को। बाकी बैटिंग की समस्या उनकी भी रही है, खास करके ओपनिंग जोड़ी उनकी भी नहीं चल रही है और कई बदलाव भी हमने देखा, कॉलिन मुनरो को आराम दिया गया था। तो मेरे हिसाब से आज का जो मुकाबला होगा विराट कोहली के लिए अग्नि परीक्षा, पूरी टीम इंडिया के लिए परीक्षा। बिल्कुल अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खेल संवाददाता इस बात का जिक्र कर रहे थे कि फिलहाल मजबूत दोनों ही टीमें हैं और ऐसे में ये सोच पाना, ये फैसला कर लेना मुश्किल है कि आखिर आज का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, कौन ये मुकाबला जीतता है और फाइनल की रेस को पास कर पाता है। दो ही कदमों की दूरी और उसके बाद मिशन इंग्लैंड को पूरी तरह से हासिल करती हुई टीम इंडिया नजर आएगी। फिलहाल चलिए बड़ा मुद्दा में दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम दिखाएंगे आपको हजारों साल से चली आ रही भारतीय संस्कृति की झलक, बताएंगे आपको धार्मिक स्थल से जुड़ी मान्यताएं, घर बैठे जानिए कुछ अनसुने किस्से, चार धाम से लेकर देवी दर्शन तक। देखिए धर्म यात्रा हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ JK 24/7 न्यूज पर। दौड़ती भागती जिंदगी में कहीं छूट ना जाए खबरों का साथ, अब खबरें देखिए कभी भी कहीं भी आपके अपने JK 24/7 न्यूज के मोबाइल ऐप पर।